हेलो एवरीवन, दिस इज मिस्टर स्पाइक। गाइस, आज का वीडियो काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है टू ऑल माय ऑडियंस, बट नॉट मी। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। तुम लोग को जैसे ही पता है, BGIS में राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक हर राउंड में कोई ना कोई बैन था। बहुत सारे टीम्स के ऊपर एलिगेशंस भी थे एंड पकड़ा नहीं गया था। अभी तक भी बहुत सारे बंदे पकड़ा नहीं गया था। क्वार्टर फाइनल्स में भी एक बंदा बैन हुआ था। उसी बात को लेकर मैंने वीडियो पे ऑलरेडी बोला था कि भाई डोंट बी सरप्राइज्ड अगर सेमीफाइनल में भी कोई बैन हो गया तो। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ पीपल गेट बैन इन सेमीफाइनल आल्सो। एंड वो फाइनली आज हो गया। सेमीफाइनल्स डे 2 सैनहॉक मैच में ये हुआ। ओकाई टीम टाइटन के पास कि वो एक बड़ा मुकाबला यहां पे बना पाए, बट देखना बस ये है कि यहाँ पे भाई ये बंदा बैन खाया सैनहॉक मैच में। एंड इसका नाम स्टार्ट हो रहा है टी से। स्टार्ट होते हुए कितने टीम से सेमीफाइनल्स में? तीन टीम से, TMW, टाइटन ईस्पोर्ट्स एंड टीम मायावी। एग्जैक्टली कौन बैन खाया एंड किस प्लेयर ने बैन खाया, वो सारे डिटेल्स अपन आगे देखने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। बता रहा हूँ ना, नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन, यही चल रहा है आजकल BGIS में। मतलब यू आर लेजिट अंटिल यू आर गिल्टी। जब तक तुम बैन नहीं खाओगे तब तक तुम लेजिट हो। भाई ये कब तक चलेगा मार्केट में? चलो बहुत हो गया इसके बारे में, इन डिटेल में आगे बात करूंगा इस चीजों पे। जब एग्जैक्टली बैन हुआ था ना, मेरा लाइव रिएक्शन तुम लोग को देखने को मिलेगा। चलो ना, टॉकिंग अबाउट टुडे, आज डे 2 है BGIS सेमीफाइनल्स का। डे 1 में हमने ऑलरेडी विटनेस किया कितना स्ट्रॉन्ग हर टीम्स खेल रहा है। तो ये टीम स्ट्रॉन्ग विद एक्सटर्नल, समझ जाओ। एक तो आज पकड़ा गया, बाकी देखते हैं और कौन पकड़ा जाएगा। डे 1 पे बहुत सारे T1 टीम्स के मैचेस उतना अच्छा नहीं गए। भाई क्यों जाएंगे भी, क्यों अच्छा? बहुत दिव्य शक्तियां चल रहा है लॉबी के अंदर। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट, मैं तो थोड़ी टीम से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कमबैक का आज। वो टीम्स है सोल ईस्पोर्ट्स, ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स, इनसेन ईस्पोर्ट्स, न्यूमैन एंड एनिग्मा। ये सारे टीम्स जो मैंने मेंशन किया बहुत कंसिस्टेंट थे राउंड 1 से लेके आज तक। एंड मैं बोल सकता हूँ भाई, ये टीम्स तो भाई बिल्कुल 2-2-3 है। तो मैं थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ इस टीम्स के ऊपर। एंड डे 1 में जो एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ है, वो आज फुल प्रिपेयर होके आएंगे, तो भाई बहुत खतरनाक होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे एक लाइक वाला बटन होगा, अगर लाइक नहीं किया तो भाई तुम्हारा लॉबी में भी एक 2-2 वाला बंदा आके तुम्हें नॉक फिनिश कर दे, ठीक है? बकचोदी मत कर, मजाक कर रहा हूँ। लाइक गोल रखते 25 के लाइक्स का एंड सब्सक्राइबर गोल रखते 300 का सब्सक्राइबर्स का। भाई कर दो यार, बहुत पास है अपन, मेक दैट हैपन। चलो विद दैट बीइंग सेड, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना मैच वन होने वाला है ग्रुप ए एंड ग्रुप डी के बीच में। And team Soul is playing. This is their first match. Let's see what happens. Troublemakers versus TWM Gaming fight होने वाला है। बहुत open में वो उतर गए, but उसका फायदा नहीं उठा पाए सैम से, तक कैसे हो सकता है? भाई Troublemakers का भी T से ही start होता है। मैंने अभी notice किया। और अब मुझे लगता है कि ओए होए होए होए। मुश्किलों में पड़ सकते हैं। ओए होए होए होए। भाई जिसका भी नाम टीम से स्टार्ट होता है, जब तक मेरे को रिवील नहीं होगा तब तक मैं एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ही रखूंगा वो। ओए होए होए होए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। निंजे ने कल भी बहुत बढ़िया खेला, अच्छा फ्लैंक। दो बंदे नॉक ऑलरेडी ट्रबल मेकर्स के। TWM वेरी गुड स्टार्ट। कोशिश करेंगे कि वो प्रेशर और बना। तीन बंदे रहो क्या, लास्ट मैन स्टैंडिंग खत्म, विदाउट अ सिंगल कैजुअलिटी। क्लीन वाइप। तेज फोर का ये ब्लू जोन का डैमेज बहुत ज्यादा रहने वाला है भाई। सर्कल देखो कहां बनी है, एनिग्मा गेमिंग, ब्लड रोज एंड सोल ऑन टॉप ऑफ द हिल। नो डाउट उनके लिए बेस्ट पोजीशन तो सोल के पास ही है। गोब्लिन विद टू फिनिशेस ऑलरेडी, उसका कवर था। गोब्लिन खेल रहा है आज तो यार, तुम लोग के लिए एक साइड बेस्ट कोशिश उनकी रहेगी इस समय, थोड़ी नियो की जगह पे। मेगा ओए होए होए, भाई लुक एट दिस, क्या बात है। दो बंदे नॉक पड़े ओआर के, जल्ली आल्सो बहुत लो, मैक इज हीलिंग आई थिंक। भाई इसमें आप ओआर को देखिए, ग्लैडिएटर भाई, ओआर भाई जैसे ही मैंने प्ले किया सीधा ओआर भाई, और कब ग्लैडिएटर ईस्पोर्ट्स भाई 4v4 भाई, बहुत काफी बेहतरीन, गलत लेवल पे स्ट्रांग है इनका सिस्टम। आगे और भी टीमें हैं और इसके बारे में जस्टिन को पता है, सिस्टम लोग आ गए। एल्विश बा के विरुद्ध उनको एक फाइट लेनी पड़ेगी। यश ओपी नॉक आने वाला है आई थिंक, इसको खत्म कर देगी। ओ भाई ऑन पॉइंट ग्रेनेड, बहुत लो था ना, स्प्लैश डैमेज से भी हो जाता वो नॉक। टीम सिस्टम को भी एक लड़खड़ाते चरम पर लेकर के आ चुके हैं ग्लैडिएटर्स, बहुत ज्यादा वेल ग्लैडिएटर्स पुश रहेगी ऑलरेडी उनके जो प्लेयर, ये हार्ड कवर है सिस्टम के पास। और जस्टिन को पता, अगर ये करंट हुआ तो पक्का पुश करेंगे, नहीं करंट हो पाया रेप हो जाएगा यश आई थिंक। और यश वापस नॉक हुआ, अब तो भाई गया, बैड बॉय भी नॉक है ना। द ग्लैडिएटर ईस्पोर्ट्स दैट आई नो, दे विल बी पुशिंग, दे विल बी स्लैमिंग,
दिक्कतें बाप रे बाप, मैप देखो भाई 62/100 हो रहा है। तो जोन के बाहर कितने टीम्स आप लोग एक बार देखो, टोल ब्लेडरो सिस्टम आरएनटी बिग ब्रदर उजुमा के जिंदा है, मतलब उनका होप जिंदा है भाई। एक अच्छा एरिया, एक एक सेकंड में एक एक टीम बाहर होने वाला है अभी। वो सर्कल के सेंट्रल एरियाज की तरफ देखने को मिल जाएंगे और अग्रेसिव मैन के लिए भी मुकाबला बढ़िया जा सकता है। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर एनिग्मा गेमिंग, आप देखिए क्या बढ़िया रोटेशन उनकी आ रही है। या एनिग्मा गेमिंग के लिए बहुत अच्छा काशी बचे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अच्छा दिन चाहिए आज का, पूछ जाएंगे क्योंकि बॉटम ऑफ द टेबल पे है वो एंड उनका स्ट्रेटजीज बहुत अच्छे हैं भाई। उजुमा की नॉक पड़ा है, उजुमा की खत्म और फाइट्स में और नंबर्स उठा रही है जस्टिन को ब्लेजोन ने खत्म जरूर स्टारविद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात को लेकर के अच्छा बिग ब्रदर्स। वहीं पे एनिग्मा के मैक्स कैश पानी के अंदर फंस चुके हैं। क्या मछलियां, तीन तीन मछलियां पूरे इनके, एक बढ़िया कोशिश है उनकी। सोल वर्सेस सिस्टम हो रहा है, सिस्टम बाहर, सिस्टम पार देंगे। आ गया जोन के अंदर सोल के द्वारा क्या था वो, क्या गाड़ी चलाया भाई इसने। आरएनटी को भी जोन मिल गया, सोल को नहीं मिला, अभी गाड़ी घुमा रहे वो। फियर्स क्या उतार दिया गोब्लिन को, ऐसा लगा कि दिक्कतों के अंदर लेकर के आ गए टीम को, लेकिन नहीं गॉब्लिन आई डोंट थिंक वो रेव हो पाएगा, बहुत मुश्किल है उसको रेव देना। मीनवाइल सोल के ऊपर ग्रेनेड का बारिश हो रहा है, आरएनटी का फियर्स फिनिश कर दिया गॉब्लिन का, ओए फियर्स भी नॉक हो गया लेकिन जवाबी का एक्विनॉक्स की तरफ से, जी नहीं दूसरी तरफ से एक्विनॉक्स ने, बट रेव हो जाना चाहिए। रेवेनेंट के खिलाड़ी एक एक करके खत्म हो रहे हैं, हो गया फिनिश, हो गया फियर्स, उनको हील करना पड़ेगा। किसने फिनिश किया, लेकिन उन्हें पता है उनके एक्विनॉक्स ने, एक्विनॉक्स ने फिनिश किया क्या, हेक्टर ने किल ले लिया, हेक्टर ने ले लिया भाई, अच्छा ग्रैंड कनेक्शन, उनको हील करना पड़ेगा लेकिन उन्हें हेक्टर भी नॉक पड़ा है सार्विक की तरह से भाई। बिग ब्रदर का सार्विक सोलो मैन स्टैंडिंग पर दिक्कत दे रहा है सबको, हेक्टर का फिनिश भी ले लिया, क्या बात है, क्या बात है। और नॉर्दर्न शिफ्ट ऑटोबॉट्स और मेडल भाई, ये सर्किल क्या बीटी दे रहा है बे, काफी ज्यादा फायदा रहने वाला है एक्सेप्ट फॉर मेडल स्पोर्ट, सबको दिक्कत दे रहा है ये सर्किल तो। माना पड़ेगा ओमेगा की बात कर, उनको डाउन किया जाएगा और अब मात्र सोल बचते हैं, सोल का वन लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड इट्स आवर अक्षत, अक्षत है तो भाई भाई, बट आरएनटी भाई व्हाट द, सेंसी क्या बात है ब्रो, लगता है सेंसी आजकल ट्रेनिंग ग्राउंड में गाड़ी चला रहा है। एक और टीम खत्म हुई, इनसेन एक्यूरेसी, पांच नाम बचे हैं, 16 खिलाड़ी, सोल बाहर हो गया, गॉड ट्रेन फोर एग्रेसिव मैन, खिलाड़ी आगे भाग रहा है, इन दोनों के बीच में फाइट होने वाला है। गॉड ट्रेन इस तरीके से वो पुश कर रहे हैं, मेरे को दिक्कत में लग रहे हैं, वन गुड ग्रेनेड शुड डू अ लॉट ऑफ डैमेज टू गॉड ट्रेन। पूरा चाइनीज रिफ्लेक्स मार रहा है और जोन के बीच की फाइट में ये टीम फंस गई, जिसके चलते गॉड ट्रेन अपने खिलाड़ी को रही है। निंजा जोड इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, दावेदार टीम के लिए इनके पास गोलियां उनकी एयूजी में, हम लोग ने ऑलरेडी देखा है निंजा जोड का करना चाहते हैं क्या ये 1v3 क्लचेस एंड ऑल, बेका जरूर गया है लेकिन रिजल्ट, ओ नाइस कनेक्शन, नाइस कनेक्शन है, विल ही पुश, स्पाइडर जॉर्ड भी है ना गोल्डन एचपी में बचा है, जॉर्ड आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं भाई, एंड ही डिसाइड्स टू जस्ट प्ले इट सेफ। निंजा जॉर्ड वो रेया में ना मेडल स्पोर्ट्स को बहुत दिक्कत देने वाला है। अरे अरे किसका करने डाल रहा है ब्रो, उसको थोड़ा सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। अरे यार बचा बचा बोलने वाला था बट बचा नहीं। डाउन करते हुए नजर आएंगे निंजा जॉर्ड, निंजा जॉर्ड बाहर, स्पाइडर जॉर्ड, स्पाइडर जॉर्ड भाई एक खिलाड़ी से व्हाट ए रिफ्लेक्स दिया रे इनको, क्या बात, क्या बात। लेकिन ऑटोबॉट्स दो टीम्स बचे, ऑटोबॉट्स एंड मेडल स्पोर्ट्स टॉप टॉक शुरुआत कर सकते हैं एंड आई थिंक एडवांटेज तो पूरा मेडल के पास है, सारा गेम यही बदल गया एंड ओपन में पुश कर रहा है इनको, ओपन में डालने की कोशिश लेकिन बचेंगे उससे और बहुत 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 और जी के हाथ में बहुत से बहुत से बहुत से बहुत से बहुत से बहुत से ओए हील 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 करने की कोशिश लेकिन अब ये गेम हारते नजर आ सकते हैं। ब्रो आई डोंट थिंक टाइम रहेगा,
स्क्रिल्स को भी जो स्क्रिल्स यार दिक्कत देंगे और अब वन वी वन ये चीज बता सकते हैं खिलाड़ी हेड करके सामने आकर के जगह रोकने की कोशिश डीबीएस डीबीएस चल मेक्स द ड्रीम वर्क चल डीबीएस उठा कर चल डीबीएस के भाई मां कसम बेटा फाइट लिया और जी ओपी कर दो कमेंट सेक्शन में क्या खेला उसने पत्थर पे क्या खेला बे उसने भाई मजा अब बढ़ते हैं मैच टू की तरफ बाप रे बाप टीम मायावी वर्सेस टीम एक्सपर्क भयंकर फाइट हो रहा है एंड ब्लाइंड को जोन में आना है मतलब फाइट लेना है तो भाई बहुत खतरनाक फाइट होने वाला अभी है अरे हाँ पहला मैच में टीम मायावी का कुछ उछना इतना अच्छा नहीं गया मान्या रैप हो जाएगा इधर गलत रोटेशन तो नहीं ले ली हमने क्योंकि जहां थे उसके थोड़े आगे जाना था बट राउंड द सर्कल आए ओए होए 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 बढ़ेंगी उनकी बट थंडर ओह नेड दो प्लेयर्स ऑन पॉइंट नेड फ्रॉम थंडर जोकर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग ग्रेनेड किया गया अरे बाप रे भाई क्या ग्रेनेड करते लगाएंगे 7 सेकंड का समय है आई कांट बिलीव दिस इज द फर्स्ट किल ऑफ ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स ओए लेजिट नॉक है ब्लैक्स इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर टीम मायावी नॉक किया जाएगा कल पहले मैच के हीरो थे फिर रैप दे रहा है साथ में ज्यादा कर नहीं पाए ब्लैक्स वो प्लेयर बने जिन्होंने रोमन को खत्म किया बट जोन का शिफ्ट 5 किल है टीम मायावी के पास ग्लिच भी आ रहा है नीचे ग्रेनेड का बारिश कर रहे हैं बट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है डब्ल्यूएम एक तरफ दो तरफा वार क्या टीम मायावी सरवाइव कर पाएंगे लेजेंड फिर वापस नॉक हुआ फायदा मिलेगा नहीं ब्लैक्स उनके ब्लैक्स अनदर नॉक बोलते जरूर देखने को मिलती है क्या वो कुछ करेंगे गन स्विच करी एम4 निकाली एडवांटेज बन क्या वो खत्म वन बुलेट इज ऑल इट टेक्स टू नॉक बट लाइक ब्लैक्स विद ब्यूटीफुल कनेक्शंस अपनी टीम को सरवाइव बट लॉबस्टर लॉबस्टर आया और काट दिया बचा लेगा टीममेट्स को भी बट ब्लैक्स बहुत बढ़िया खेला उधर अरे यार इन्फिनिटी हिल बैटल थोड़ा चोक हो गया लगता है फिलहाल ब्रेव ईस्पोर्ट्स फोरमैन स्ट्रॉन्ग वर्सेस ग्लिच एक्स रिबॉर्न ग्लिच एक्स रिबॉर्न में अपना रोमन भाई नहीं है क्या जिंदा और एक क्रिस नॉक आई थिंक इट्स ऑल ओवर नाउ It's all over and that is a 12 finishes. भाई मैं तो देखा ही नहीं है. Nice 12 kill chicken for Brave Esports. अब देखेंगे match 3. Match 3 होने वाला है Sanhok and भाई देख सकते हो भाई फिलहाल 9 teams बचे. Area है वो भी उनके पास रहने वाले हैं. TWM Sams. Nice connection. Third word mafia. अरे 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 Lobster भाई. सिर्फ the last man standing for WSB. Night Owls भी push कर रहे हैं Can Zeref survive this push? Can he survive this push? नहीं हो पाया Cleo आके भाई 12 finishes for Night Owls already क्या बात है Destiny Sam's knock हो गया TWM Gaming का दो ही बंदे बचे मतलब कौन नॉक खाया कौन नॉक खाया TWM का कोई नॉक खाया भाई नॉक क्यों बोल रहा कोई तो बैन कौन खाया टीम आया भी है क्या टी से कौन किस किस का स्टार्ट है TWM इस मैच में टीम आया भी था क्या टाइटन वाले हैं और वो भी था ना ट्रबल मेकर्स भी थे इतना तो पता है कि डेस्टिनी तो बैन नहीं खाया देखते एक बार कौन है सैम्स भी मूव कर रहा है इधर उधर सैम्स भी नहीं है कौन बैन खाया वो कौन था राशि टाइटन नैनो बॉय भी नहीं टाइटन के फोरमैन है तो आई डोंट सी टीम आई भी तो इज अ टाइटन या TWM का कोई बैन खाया देखना ये कि वो कितना बेहतर खेल पाएंगे बट नाइट व्हाट द फक मैन 2-2 और व्हाट और अब एजेस की ये फाइट नैनो भाई जरूरत नहीं थी अकेले बाहर जाने की वो आखिर आगे गए क्यों अकेले भाई अभी तक तो समझ नहीं आया एग्जैक्टली कौन नॉक खाया आई मीन कौन बैन खाया भाई नॉक क्यों बोल रहा हूँ बार बार में कौन बैन खाया देखते आगे देखते हैं फिलहाल CS का भी 9 फिनिशेस वेरी नाइस CS का इनसेन का स्किप्स अकेला बचा है कहाँ देख रहा है रणदीप चलो इनसेन बाहर भाई कोई तो गोली नॉन स्टॉप चला रहा है
क्या कर रहा है ये? क्या हुआ? उन्होंने रोक दिया था अपना स्प्रे, उसके बाद स्प्रे किया और फिर भी टाइटन 6 & 2/3। अब देखेंगे प्लेयर का पीओवी जो एक्चुअल में बैन है। इट इज टाइटन ईस्पोर्ट्स का एक प्लेयर, देखते एग्जैक्टली क्या हुआ इसके साथ। चिल मार। कनेक्शन टू सर्वर लॉस्ट, प्लीज चेक योर नेटवर्क कनेक्शन बिफोर ट्राइंग अगेन। तो दिस इज द पर्सन हु गॉट नॉक्ड। अभी हमने देखा है एक बंदा का गोली नॉनस्टॉप चल रहा था, उसको नॉक फिनिश कर दिया था सीएस का एक बंदा। इट वाज सिक्स सेंस, दैट वाज द गाय हु गॉट बैंड। सो बैन का रीजन स्क्रीन पे देख सकते हो, वी हैव टर्मिनेटेड योर कनेक्शन बिकॉज ऑफ ए डेटा एरर विद योर क्लाइंट, प्लीज चेक योर नेटवर्क कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। ब्रो मिडिल ऑफ द गेम ऐसा, आई वॉन्ट टू से दिस वन थिंग, ओके आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग अंटिल कुछ ऑफिशियल आ जाए, बट इतना बोलना है कि भाई ये सारी चीजें नया प्लेयर के साथ क्यों हो रहा है? Why are all these things happening only for new competitive players? कोई ग्लिच नहीं है, ठीक है, कोई ग्लिच नहीं है। मिडिल ऑफ द गेम, इतना बड़ा गेम में ऐसा हो नहीं सकता। वायलेटेड वाला नहीं आया मैसेज, डेटा एरर बोल के आया, बट ब्रो ये सारे चीजें क्यों हो रहा है नया प्लेयर के साथ? नॉट श्योर इफ इट इज बिकॉज ऑफ 2-2, नॉट श्योर बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट इश्यू, भाई कोई भी हो, आई एम नॉट श्योर वॉट एक्शन विल क्राफ्टन टेक इस बैन मैटर को लेके। अभी फिलहाल मैच की तरफ बढ़ते हैं। CS का 11 फिनिशर्स ऑलरेडी हो गया, मिडवे का डायनोसिस इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, डायनोसिस भी फिनिश, 3 टीम्स बचे, टाइटन, TWM एंड CS। लॉबस्टर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। यार खराब लगा, नहीं डेस्टिनी अभी जिंदा है, हिल बैटल करेगा, हिल बैटल करेगा। चल CS वर्सेस टाइटन होने वाला है। ओह नाइस कनेक्शन। क्या एकेएम का शानदार है, बट क्या CS वो रोक सकते हैं? नाइस एफबी, हील नहीं कर सकता ना अभी। आ गया पैरा बीटीसी, टाइटन पंक, क्या पंक बदलेंगे टाइटन का ये रोल, क्या वो चिकन लेके जाएंगे? अरे पोजीशन लेके जा सकते हैं, पहली भी लेके जा सकते हैं, बट क्या वो कुछ करेंगे? जी नहीं। अच्छा ड्रॉप शॉट। CS Esports विनर चिकन डिनर, बहुत अच्छे गेम्स भी गए उनका, लास्ट खेल में मिल गया उसको। सो फाइनली सेमीफाइनल्स में जो नहीं देखना था मुझे वो देख लिया। चैट में उस टाइम पे जो चल रहा था ना, लाइक फैंस वर रियली डिसअपॉइंटेड विद व्हाट इज गोइंग ऑन विद द कम्युनिटी, तो वो डिसअपॉइंटमेंट आप एक बार इधर स्क्रीन पे देख सकते हो किस तरीके से पब्लिक रेज कर रहे थे ये सब देख के। बट आई एम प्रीटी श्योर इस BGS के बाद क्राफ्टन इज गोइंग टू मेक सम ह्यूज चेंजेस, बट क्या फर्क पड़ता है BGS के बाद? अब तो मेरे को फीलिंग आ रहा है कि ये BGS में बहुत सारे डिजर्विंग प्लेयर्स बाहर हो गए बिकॉज ऑफ दिस ऑल ड्रामा। पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा इस चीज को लेके, पता नहीं कब बंद होगा भाई, इतना एडवांस हो गए हैक्स वगैरह। अब बढ़ते हैं मैच 4 की तरफ। एक बार सर्किल पे नजर डालो, सर्किल के अंदर सिर्फ 3 टीम है, ऑटोबॉट्स, मिडल ईस्पोर्ट्स, टीम मायावी सोल, एंड बाकी सब जोन के बाहर। भाई बसड़ होने वाला है, बहुत गंदा बसड़ होने वाला है। ब्लाइंड वर्सेस सोल होने वाला है, टीम मायावी तो भाई पूरा सेफ है, सबको दिक्कत देंगे टीम मायावी, बट अगर वो लोग केयरफुल नहीं है तो कोई ना कोई आके उनको भी मार के उनका जगह ले लेंगे। इतिहास काफी अच्छा रहा है, ये मुझे याद है, टीम एक्सपार्क इन बिग ट्रबल, सारे टीम्स आसपास। वैसा होगा या फिर टीम मायावी जिन्होंने ये घर हथिया रखा है। मार्कोस गेमिंग बाहर हो गया, ग्लैडिएटर ईस्पोर्ट्स भी बहुत इजीली आ जाएंगे जोन के अंदर। फिलहाल सोल वर्सेस टीम मायावी हो सकता है, अगर बात करी जाए सोल वर्सेस टीम मायावी हो सकता है। ग्रेनेड कर रहा है, ओमेगा ने मान्य को फिनिश किया, साइफर ने ओमेगा को नॉक किया ग्रेनेड से। लेकिन अगला ग्रेनेड क्या बाकी खिलाड़ियों को दिक्कत देगा? रिवाइवल की पुरजोर कोशिश, रिवाइवल निकाला, बहुत कोशिश कर रहे टीम मायावी जीवन दान दिया जाएगा, लेकिन नॉक फिनिश में कन्वर्ट करने के लिए। सोल का पोजीशन मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यार एक ही जगह पे 4 बंदे, 1 गुड ग्रेनेड एंड 4 किल, समझ रहे? जोन क्लोज होने वाला है। Meanwhile, Gladiator Esports versus Autobots. Autobots का सिर्फ एक लास्ट बंदा बचा है, and I think Justin इस ग्रेनेड के साथ खत्म कर सकता है। Boom, हो गया। Autobots हार्ड लग गाइस, Gladiator Esports के पास 4 फिनिशेस, एंड जोन में भी आ गए लोग, मेडल को दिक्कत दे रहे अब। एक्सपर्ट का एक लास्ट मैन स्टैंडिंग, अभी राइट में है रॉनी का, देखते क्या कर पाएगा रोनी, विल रोनी स्पॉट हिम? ओए होए होए, स्पॉटेड, पूरा फोकस अभी आदित्य पे। आदित्य सोलो 3 फिनिशेस, बाकी 3 मर गए। अरे भाई दैट कुड हैव बीन अ गुड ग्रेनेड, बट आदित्य इजीली हील कर देगा अभी। और
ब्लाइंड है ना, अभी पूरा पीछे पड़ जाएगा आदित्य का। आदित्य बाहर, ऑन पॉइंट नेड फ्रॉम नकुल। फोर मैन होना बहुत नेसेसरी यार क्लोज रेंज फाइट्स के लिए। वहाँ पार्किंग स्पेस नहीं, सिर्फ फाइटिंग स्पेस है। क्या भाई, ओए ओए ओए, ग्लैडिएटर का सिर्फ जस्टिन अकेला बचा है क्या? नहीं, डेल्टा पीजी बचा है। टॉप डॉग इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर मेडल ईस्पोर्ट्स। टीम मायामी ने सोल को बाहर कर दिया। दो तीन बंदे नॉक पड़े, नहीं नॉक टीम मायामी ने किया एंड ब्लाइंड ने उसका फायदा उठा रहे। अरे भाई भाई भाई, नामुमकिन ही रहने वाला है। भाई वो एक ही जगह पे ना भाई, ब्लाइंड वाले देख पूरा भयंकर नेड्स। अक्षत इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। मीनवाइल ग्लिच ने नकुल को नॉक कर दिया। रोनी वन लास्ट मैन स्टैंडिंग। सोल बाहर बे, ओ गॉड। देखना ये है कि कौन से शिष्य अपने आप को बेहतर प्रूव करते हुए नजर आएंगे। देख लिया ब्लैक्स ने, कनेक्ट कर लिया रोनी पे। ब्लैक्स को भी जोन में जाना पड़ेगा, क्या जोन में। जोकर इज गोइंग फॉर द हील बैटल। आई प्रेडिक्टेड एंड रोनी भी रेव होने वाला है। दैट इज अ गुड साइन फॉर प्रहार। कैसा करेगा थोड़ा समझ लीजिए भाई। जोकर स्पॉट किया आपको, अपनी एचपी जोन को जाने दिया। 25 फर्स्ट एड्स लेकर के जोकर बैठे हैं। छू सके तो डब्ल्यू डिसीजन बाय ब्लाइंड। हिल बैटल इज द राइट वे टू डू इट। खेद पाएंगे इस चीज को समझने वाली बात पर। ब्लाइंड के भी दो बंदे आगे जोन के अंदर, सो भाई इट्स अ विन विन डिसीजन फॉर ब्लाइंड भाई। मीनवाइल एमआईसीआई तो भाई दिक्कत में है। नकुल का ग्रेनेड ये कनेक्ट हो सकता है। बच गया, थोड़ा सा बच गया। एक किल मिल गया नकुल को। टीम मायावी बाहर क्यों आ गए ये लोग? ग्लैडिएटर, ग्लैडिएटर के दो बंदे हैं, जस्टिन एंड डेल्टा पीजी। ओए रोनी, रोनी का ग्रेनेड से नॉक खाया। इस ग्लैडिएटर ईस्पोर्ट्स किल फीड रीड कर रहा है। एग्जैक्टली पता है कहाँ है टीम मायावी, तो वो लोग भी पीछे से आके दिक्कत देंगे। देख रोनी दिक्कत दे रहा है। ओए ओए ओए, वापस वापस नॉक, वापस नॉक। फुटस्टेप भी गया ऑलरेडी। वो टीम मायावी इज इन बिग बिग ट्रबल, बिग बिग ट्रबल। आ गया डेल्टा पीजी भी किल देने के लिए। ले लिया किल, ले लिया एक किल, चोरी कर लिया टीम मायावी का। एक वन लास्ट मैन स्टैंडिंग साइफर, लास्ट मैन स्टैंडिंग ब्रो। मतलब विला क्यों छोड़ दिया अंदर के पार्ट, मेरे को समझ नहीं आया। साइफर हील बैटल करना पड़ेगा ब्रो, और इल्स यू डाइंग टू द जोन। ये चाहिए था जनता को जोन से, क्या साइफर जाएंगे जोन से। 16 फिनिशेस, ओ माय गॉड। ब्लाइंड का भाई मैं, मुझे पता है वो लोग फॉर्म में आएंगे तो बहुत मचाएंगे, बट भाई बहुत भयंकर ही फॉर्म में आ गया लग रहा है मुझे। सर्कल आखिरी है, चलना शुरू हो चुका है एमआईसीआई के। ओ रनी, पहले खिलाड़ी गए डेल्टा पीजी। चल ब्लाइंड चल, MICI हैशटैग 2 आ जाएंगे, आ जाएंगे आगे। बीच में आ चुकी है जोकर, ब्लाइंड का जोकर ऑलरेडी हिल बैटल कर रहा है। दिलवाएंगे 15 लास्ट फर्स्ट एड होने वाला है। रोनी हुए खत्म, जी नहीं है भाई। व्हाट, क्या उनके पास गया है ये गेम जिस प्रकार। व्हाट, किसने निकाला चिकन? ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? जोकर क्या था, जोकर कहां गया? कोई बात नहीं, उसको क्या फर्क पड़ता है भाई। किल्स तो बहुत मिल गया, बट डेफिनेटली वो चिकन मिले तो और चेरी ऑन टॉप हो सकता था, बट क्या कर सकते हैं। MICI क्या खेले। द मैच 5 होने वाला है ग्रुप ए एंड ग्रुप सी के बीच में, एंड इट्स गोइंग टू बी मिरामार। अरे अरे, ये क्या देखने को मिल रहा है? नाइट आउल्स वर्सेस टाइटन ईस्पोर्ट्स। नाइस नॉक फ्रॉम पंक, दो बंदे नॉक है नाइट आउल के। सिक्स सेंस इज बैक, बट नॉक था फिलहाल। सिक्स सेंस दूसरे अकाउंट से आया कि वो अकाउंट से आया जिस अकाउंट में बैन गया पता नहीं। और नाइस कनेक्शन फ्रॉम स्पार्की ओपी। ओ डीबीएस, ओ डीबीएस, अरे पीछे से, पीछे से, पीछे से आ गया कौन? अरे भाई ऊपर से भी आ गया WSB। चलो WSB ने डिसाइड किया कि चलो स्लैम मारते टाइटन पे। अरे अरे अरे, सिक्स सेंस भाई, डीबीएस चिपका दिया इसने। सिक्स सेंस भी नॉक, रेडन भी साइडलाइंस में पहुंच चुके हैं इस पूरी फाइट में। टीम पंक पुश कर रहा है रेडन पे, पंक काफी आगे जा जरूर रहे हैं, लेकिन
अपने ग्रेनेड वो डालना चाहेंगे, उन्हें पता है खिलाड़ी कहाँ है, उन्हें पता है फेंकना कहाँ है। ओए ओए ओए, सही जाएगा या नहीं? एक ब्रो वो ग्रेनेड थोड़ा सा इनएक्यूरेट था, बट डीबीएस है ब्रो सामने, देख के चाहते हैं थोड़े बहुत फ्री फायर्स किए, 29 गोलियां उनके पास और 29। ओ नाइस नाइस वन, नाइस वन, नाइस वन, नाइस वन, रेडन को पकड़ा जाएगा, डब्ल्यूएस लास्ट मैन स्टैंडिंग, बट ब्रो ऑल इट टेक्स इज वन बुलेट फ्रॉम डीबीएस, तुम लॉबी जाओगे सीधा, तीनों को रोते देगा सिर्फ, अभी 6 फिनिशर्स ऑलरेडी, डब्ल्यूएसबी रियली गुड स्टार्ट। अरे फिर से न्यूमैन फंस गया, फिर से फंस गया, अरे बाय 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 बाय, खत्म है खत्म है खत्म है, क्लच गॉड लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड साइब से बचना है भाई, नामुमकिन है इधर, नामुमकिन है, सामने से भी दूसरा टीम दे रहा है ना, क्लच गॉड के ऊपर बिल्कुल वहीं पे, और साफ वो सारे फिनिशर्स, येट अनदर बैड रन फॉर न्यूमैन ईस्पोर्ट्स ऑप्टिमस भाई, मेरे को जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए, अभी इस मैच में सिर्फ प्लेसमेंट पॉइंट चाहिए, मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं गन भी पीछे रख लेता हूं, अपने ही आप से एक जंग रहेगी। ओए होए होए, स्किलफुल यूएमपी सप्रेसर से मारा हुआ उधर से, लेकिन बैकएंड पे आपने देखा टीम सोल, अरे रे 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 रे, दो बंदे नॉक बे, किल्स मिल जाएंगे, हेक्टर का ग्रेनेड का, और टीम सोल कहां कहां से करता है बे हेक्टर ग्रेनेड, आगे आ चुके हैं और ऐसे में दिक्कतें हो, बहुत सही बहुत सही, ओमेगा एकदम साइलेंटली आके, अरे ओमेगा नॉक पड़ा है, लेकिन टीम सोल के ओमेगा को पकड़ने, ओमेगा इन ट्रबल, सोल इन ट्रबल, और करण आगे जा रहे हैं अपने टीममेट को रिवाइवल देने के लिए, एक नया जीवन दान देने की कोशिश, शॉट्स लिए करण ने, लेकिन उन्हें किल 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 चोरी करूं या टीममेट को रेव दूं, किल चोरी करूं या टीममेट को रेव दूं, यही चल रहा है इसके दिमाग में, बट डार्क लॉर्ड ने निकाल दिया किल, अक्षत अक्षत कोशिश कर रहा है, अक्षत बहुत बहुत लो बहुत लो, वो भी लो, लेकिन नहीं अक्षत को भी पकड़ा, आई थिंक हेक्टर विल गो फॉर हील बैटल, राइट? यस, ही इज गोइंग फॉर द हील बैटल, बैक टू बैक चिकन निकाल सकती है, एक पूरा मौका उनके पास जरूर है, बट अभी भी जोन के एज पे 5 टीम्स बचे, गोल है हेक्टर का #2 करने का, किल्स अच्छा खासा मिल गए, 7 किल्स, दैट्स नॉट बैड, एंड एमआईसी सोरिया इज आल्सो गोइंग फॉर द हील बैटल, बट हक दिया के चलते टीम इनसे यहां पे एक अच्छा गेंद निकाल भी रही है, 4 एंग्री मैन के, लास्ट मैन स्टैंडिंग 4 एम का को शांत किया गया, और उसी के साथ 4 एंग्री मैन, चल इनसेन चल, डार्क लॉर्ड विद 5 किल डोमिनेशन, भाई ये ऑप्टिमाइज भाई, तो देखो सोलो मैन है, आ भी गया टॉप 2 में, भाई हेक्टर मर गया जोन से, मर गया जोन से, मर गया, अपनी टीम को अस्टैक 2 कर दिया भाई ऑप्टिमस ने, क्या बात है, ओए क्लच भी करने वाला है क्या ऑप्टिमस ने, एक खिलाड़ी को इधर कहां जा रहा है ब्रो, जोन के बाहर भाग रहे हैं जी, नहीं साइड लाइंस में पहुंचे, लेकिन जब तक उसको भाई नॉक करके आगे, उधर क्यों जा रहे हो, टीम इनसेन बोला ना, मैंने बोला ना टीम इनसेन का चिकन बोल के, तो विद दैट फर्स्ट चिकन डिनर फॉर टीम इनसेन ईस्पोर्ट्स, मच नीडेड गुड कमबैक, और फिलहाल एक लास्ट मैच बचा है डे 2 के लिए, एंड इस मैच के बाद हमें पता चलेगा कौन है टॉप 16 प्लेयर्स, बढ़ते हैं मैच 6 की तरफ, बाप रे बाप, फोर्थ सर्किल भी क्लोज होने वाला है, अभी भी 16 टीम्स अलाइव, एंड मीनवाइल न्यूमैन वर्सेस टीम मायावी फाइट, इट्स ब्रूइंग, साइफर अकेला है उस घर के अंदर, क्या अभी स्लैम करने वाला है, ओ भाई ये क्या चल रहा है, ब्लाइंड वर्सेस टाइटन, चल सिक्सेंस पेल पेल, बैन मत होना इस बार पेल, डेटा एरर ना आ जाए बस पेल, एक और ग्रेनेड बेहतर साबित हो सकता है, बट जो कर वो पहली पंक को वहां पे डाउन, भाई टाइटन बाहर, टाइटन बाहर, ब्लाइंड कैसे हो जाएगा, नाइस 44 फाइट भाई, 44 बहुत गदर फ्रॉम है ब्लाइंड का, जेलो इधर डब्ल्यूएसबी आरमैक्स नॉक फिनिश, मीनवाइल एमजी वर्सेस टीम मायावी, मायावी की ये फाइट चलती हुई, बाकी के दो प्लेयर को क्लोज इन कर भी नहीं रहे हैं, आगे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन शायद उसकी जरूरत पड़े भी ना, क्योंकि मात्र एक चल ब्लैक्स चल, वो सही बरत रहे हैं भाई, दूसरी तरफ ब्लैक, अरे वो वहां पे मजे में, सैम आउट प्लेड हिम, नजर आ रहे थे ऑब्वियसली वहां पे साउंड गया होगा, ये सैम इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, शायद वो टीज कर रहे हैं भाई, एमजी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर टीम्स बे, ये बात मुझे समझ आई नहीं स्पीरो अभी तक, लेजिट भी नॉक पड़ा है, किलफीड रीड किया होगा वो, लेजिट फिनिश भी हो गया, न्यूमैन अभी भी सरवाइव कर रहा है, हर टीम में दो दो बंदे तीन तीन बंदे नॉक पड़े हैं भाई, सर्कल में सिर्फ एक दो टीम दिख रहा है मेरे को, बाकी सब जोन के बाहर, टीम एक्स पार्क इनके लिए भी एक अच्छा मैच जाना पड़ेगा, एंड दिस माइट बी इट, चार फिनिशेस ऑलरेडी,
जोन भी बिल्कुल पास में है। अरे नेस्ट ईस्पोर्ट्स पुश कर रहे डीम एक्स पार्क। अरे ग्रेनेड्स आई थिंक इट्स ऑल ओवर। ऑन पॉइंट खेल रहे लोग। वन गुड ग्रेनेड विल ऑल बी ओवर। अरे भाई ड्रीम को उतार दिए। बहुत से अरे नेक्स्ट कोई हल्का टीम नहीं है बता रहा हूँ मैं। बढ़िया खेल रहे थे ये लोग भी से पहले वाले राउंड में। ओ बोला ना मैंने वन गुड ग्रेनेड इज ऑल इट्स गोना टेक। अरे भाई किसका ग्रेनेड था वो? टीम एम्पायर है क्या भाई? टीम एक्सपर्ट का एक लास्ट मैन स्टैंडिंग है आदित्य, बट सारंग भाई जाते जाते 6 kills करके गया। टीम एम्पायर अलग ही रूप में दिख रहा है इस मैच में, अलग ही रूप में दिख रहा है। नाइट आवर्स ये ग्रेनेड पकड़ के आ रहा है, ड्रेको रॉक्सी भाई कवर फायर तो दो यार तुम्हारा टीममेट के लिए। वो लास्ट मैन स्टैंडिंग है, क्यों कवर देगा वो? उसको सर्वाइव करना है भाई। न्यूमैन अब बाहर हुआ क्या? सीएस ने बाहर किया न्यूमैन को। लखनऊ जेंट्स फोर मैन स्ट्रॉन्ग, क्या बात है, उनके लिए भी अच्छा मैच जाना है। मिड वेव भी सर्वाइव कर, उनके लिए भी अच्छा, सबके लिए अच्छा मैच जाना है ब्रो। वन लास्ट मैच सीएस का लियो बाइटी नॉक पड़ा है। लखनऊ जेंट्स से उनको बचना बहुत बहुत मुश्किल है। एक बंदा हिल बैटल पे जाएगा आई फील लाइक। ये कहां से मिड वेव यार, फिनिश के चक्कर में नॉक खा गया ये। विल लखनऊ जेंट्स पुश? आई फील लाइक दे आर पुशिंग। टीम माया भी बाहर हो गया एट #5। भाई सीएस का क्या कंसिस्टेंसी है भाई। विक्सकी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग विद 1 HP लिटरली राइट। टीम एम्पायर बहुत बहुत मुश्किल में इधर, सही कर रहा है भाई। इनके इनको अभी नॉकने का नहीं करे ये लखनऊ जेंट्स को, अगर नॉक खाएंगे ना सीएस पूरा फायदा उठाएगा। सीएस ईस्पोर्ट्स विद 9 finishes, क्या बात है भाई। टीम एम्पायर भी लाइक भाई हम हर जगह से मार खाएंगे, बस यही है अपना, उनका पोजीशन है ही ऐसा। आप इतना ओपन में नहीं आ सकते, आपकी मुश्किलें बढ़ाई जा सकती है। बट एक नॉक आया जरूर है, 2v4 सिचुएशन है, प्रज्वल उनके ऊपर एक ग्रेनेड जाएगा। नाइस क्रश, ओ नाइस 1v2, नाइस 1v2 भाई ऑस्टिन बोटेक्स। 2v2 में कन्वर्ट हो गए, 2v2 में कन्वर्ट हो गए। उधर मर गए ब्रो रेज गॉड, नीचे एक खिलाड़ी मौजूद है वहां पे ग्रेनेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बट नाउ इट्स अ 2v2 जोन है। रणदीप जो रणदीप को फिनिश नहीं कर रहे हैं क्या? हाथों से और लेके जाएगी लखनऊ जाएगी। अभी भी है पूरा सीएस के पास कि वो चिकन निकाल के जाएं, बिकॉज़ जोन का एडवांटेज उनके पास पूरा पूरा। अगर रणदीप चले गए ना रणदीप ऑब्वियसली चलेगा। ऑस्टिन वॉटेक्स ब्रो क्या 1v2 किया था वो वाला। नेक्स्ट सर्कल जिसको फेवर करेगा भाई उसका होगा चिकन मोस्टली मेरे को लग रहा है। और फेवर करता है सीएस ईस्पोर्ट्स को जोन। अब तो लखनऊ जेंट्स को जाना पड़ेगा। तो स्मोक है, एक स्मोक है उनकी मुंह पे करने वाला है क्या? सही सही कर रहा है, सही कर रहा है। बट स्टिल भी पैरा बीटीसी को सब कुछ दिखेगा ब्रो, सब कुछ दिखेगा। गाड़ी लेके जा रहा है क्या? बहुत मुश्किल। क्या पिक कर रहे हैं? ये एक नंबर पिक्स पे पैराबीटी सी चुम्मी वाला पिक्स एकदम सेक्सी मारा। एंड उसी के साथ अपना फाइनल मैच ऑफ द डे सीएस ईस्पोर्ट्स को चिकन जाते हुए, विद दैट अपना डे 2 खत्म हो चुका है भाई। टॉप 6 मुझे नहीं पता बहुत कुछ हुआ आज। लेट्स सी द ओवरऑल स्टैंडिंग्स नाउ। बट #1 वी हैव ग्लैडिएटर ईस्पोर्ट्स, सीएस ईस्पोर्ट्स, ग्लिच, TWM, रेवेनेंट, ब्लाइंड, बिग ब्रदर, मेडल ईस्पोर्ट्स। टॉप 8 से उतना फर्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये लोग मोस्टली क्वालिफाइड है फाइनल्स के लिए। अभी टॉप 16 देखते हैं। कट ऑफ तो 50 के आसपास होगा। टीम एक्सपर्ट भी आई थिंक सेफ जोन में है। अब देखते हैं पेज 3 सोल, मेरे को नहीं दिख रहा है टॉप 16 में अभी के लिए। टीम इनसेन
वेरी गुड कमबैक, बहुत बॉटम में थे हैशटैग 13 पे आ गए वो, मिडवे भी अच्छा कमबैक किया। अरे बाप रे बाप, इट इज वेरी क्लोज बे, बहुत क्लोज है, सबके सब बहुत क्लोज है, समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है भाई, कल भी बहुत भयंकर होगा। सोल का पॉइंट है 41, इसका पहले वाला पेज में 48, ऑलमोस्ट टॉप पे है, तो भाई एक चिकन मार दी ना लास्ट पेज में कोई भी टॉप में आ सकता है। तो भाई नेक्स्ट 2 days आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अगर तुम लोग को day 3 and 4 का भी हाईलाइट चाहिए, मजा आ रहा है तो भाई लाइक कर दो इस वीडियो पे 25 के लाइक्स कर दो, एंड नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, एंड सब्सक्राइब भी कर देना, अपना गोल है 3K सब्सक्राइबर्स का, मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। चलो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो पे, एंटिल देन पीस।